मारुति सुजुकी जो एक छोटी कार का ब्रांड माना जाता था, यानी कि स्मॉल और अफोर्डेबल कार्स, आज तक मारुति सुजुकी मार्केट में लॉन्च करता गया है, जिसके बाद उसकी सक्सेस भी बहुत ही ज्यादा बड़ी हुई थी। बट नाउ इन द रिसेंट ट्रेंड यू विल नोटिस दैट मारुति सुजुकी इज लॉन्चिंग प्रीमियम सेगमेंट व्हीकल्स लाइक इनविक्टो, ग्रैंड विटारा एंड जेमी। सो व्हाट्स द रीजन ऑफ मारुति एंटरिंग इनटू सच एसयूवी सेगमेंट, लेट्स नो इट। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे तो मारुति जब से लॉन्च हुआ है तब से वो इंडियन मार्केट में छोटी गाड़ियों के लिए ज्यादा फेमस है। कार्स लाइक स्विफ्ट, डिजायर एंड स्पेशली ऑल्टो, ये हर तीसरे घर में आपको मिली जाएगी। और एक बड़ा नाम तो मैं भूल ही गया, जो है वैगनर। वैगनर तो आपको हर तीन गाड़ी में एक गाड़ी वैगनर है। सो सच इज द पॉपुलैरिटी ऑफ मारुति एंड सुजुकी। और अपनी छोटी हैचबैक गाड़ियों को बेच के उनकी जो ईयर ऑन ईयर सेल्स है वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो एक ऐसा ब्रांड जो छोटी गाड़ियां बेच के अच्छा खासा कमा रहा था, आखिर ऐसी क्या नौबत पड़ गई कि उसको भी अपने प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में आना पड़ा और 30 और 32 लाख जैसी महंगी गाड़ियां भी लॉन्च करनी पड़ी। द रीजन बिहाइंड दिस इज ओनली वन, विच इज कॉम्पिटिशन। जी हाँ, अगर आप मारुति एंड सुजुकी के कॉम्पिटिटर्स को देखोगे तो उनके कॉम्पिटिटर्स में कौन है, टाटा है, महिंद्रा है, किया है, और ये तीनों के पास प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में अच्छे खासे व्हीकल्स हैं, जिनके बाद एक ह्यूज मार्केट शेयर वो ओन करते जा रहे हैं। अगर आज की डेट में आप देखोगे तो मारुति एंड सुजुकी का मार्केट शेयर गाड़ियों के अंदर अभी भी सबसे ज्यादा है, लेकिन ये मार्केट शेयर धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और जो इनके कॉम्पिटिटर्स है, जैसे कि जो मैंने नाम लिए, ये सब की सेल्स डे बाय डे इंक्रीज होते जा रही है, विच इज बिकमिंग अ थ्रेट टू मारुति एंड सुजुकी। और अगर आप इंडियन डेटा के हिसाब से देखोगे तो इंडिया में अभी लोग है ना, लोगों की जो लाइफस्टाइल है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रही है। और हर एक बंदे को चाहिए कि उसके पास एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। और पहले आदमी क्या सोचता था कि थोड़े पैसे कमा लूंगा और एक छोटी गाड़ी ले लूंगा, लेकिन अब जो थिंकिंग है, जो वे ऑफ थिंकिंग है, जो लाइफस्टाइल है, वो टोटली चेंज हो चुकी है। क्योंकि डे बाय डे इंडिया इतना ज्यादा डेवलप हो रहा है कि लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, जिसकी वजह से पहले जो आदमी यही सोचता था कि मैं छोटी गाड़ी में खुश हो जाऊंगा, अब वो अगर अपनी पहली गाड़ी भी ले रहा है सो ही मस्ट बी गोइंग फॉर अ बिग एसयूवी लाइक सेल्टॉस एंड सोनेट। और इसी कारण की वजह से ये सारी जो ये दोनों गाड़ियों के मैंने नाम लिए, साथ ही साथ टाटा हैरियर है, टाटा नेक्सॉन है, ये जो एसयूवी टाइप फोर व्हीलर्स है इनकी डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रही है। इवन महिंद्रा की जो थार है उसकी आप डिमांड देखोगे तो वो तो बहुत ही ज्यादा है, और उसका जो क्रेज है वो इंडियन पब्लिक के अंदर बहुत ही ज्यादा फैलते जा रहा है। और इसी कॉम्पिटिशन से मारुति एंड सुजुकी बाहर होते जा रहा था, क्योंकि उनके पास कोई भी प्रीमियम एसयूवी गाड़ी नहीं थी। एंड दिस इज द रीजन दे आर नाउ लॉन्चिंग व्हीकल्स कॉस्टिंग ओवर 30 लाख टू ग्रैब देयर मार्केट शेयर एंड टू अगेन बिकम नंबर वन इन द मार्केट। दो दे आर नंबर वन इन द मार्केट, बट इन द एसयूवी सेगमेंट्स दे वर क्वाइट बिहाइंड एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू कम फुल्ली एज अ प्राइम कंपनी ऑफ दिस एरिया। और दोस्तों इसके पीछे एक और रीजन ये है, द डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया। क्योंकि दोस्तों इंडिया के जो गांव है वो भी बहुत ही ज्यादा डेवलप हो रहे हैं, और वहाँ के लोग जो पहले मारुति एंड सुजुकी के प्रीमियम कस्टमर्स थे, क्योंकि मारुति एंड सुजुकी की जो मेजोरिटी व्हीकल्स है वो गांव के साइड सेल होती थी, क्योंकि गांव के साइड रोड कच्चे होते हैं तो वहाँ पे कैसे छोटी गाड़ियां चाहिए होती है। और अब ऐसा हो चुका है कि गांव के लोगों की भी जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो रही है, जिनके बाद वो भी अभी एक जो छोटी हैचबैक व्हीकल्स थी उनसे शिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स बिग एंड प्रीमियम एसयूवीज। और इसी नीड को कैटर करने के लिए मारुति सुजुकी इज नाउ कमिंग विद हैवी व्हीकल्स एंड एक्सपेंसिव व्हीकल्स। और डेटा के हिसाब से देखोगे तो इन द पास्ट 4 ईयर्स द सेल ऑफ हैचबैक्स इन इंडिया हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 25%, यानी कि 25% से हैचबैक की सेल्स डिक्रीज हुई है, और अल्टीमेटली लोग एसयूवीज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि एसयूवीज भले रहती 5 सीटर है लेकिन उसको चलाने का जो फील है वो बहुत ही ज्यादा अलग होता है। एंड ऑल्सो इट कम्स विद वेरियस फीचर्स एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। सो आपको क्या लगता है कि क्या मारुति एंड सुजुकी फ्यूचर में अपने इस मार्केट शेयर, जैसा उन्होंने हैचबैक के अंदर बहुत सालों तक यानी कि कई दशकों तक रूल किया था, क्या वो अपने प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में भी कर पाएंगे, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपकी कौन सी प्रीमियम एसयूवी में फेवरेट कार है उसका नाम भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपका प्यार मुझे डेली बेसिस पे जैसा मिल रहा है वैसे और भी आगे मिलते जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।